हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपनी ला चुके एक नई साइट जो कि हमारी किसान पथ से लगी हुई है और कानपुर रोड से मात्र 200 मीटर अंदर है। तो चलते हैं, अपनी आज साइट विजिट करेंगे, इस साइट में जानेंगे हाउस ऑफ। वीडियो को कंप्लीट एंड तक की देखिएगा क्योंकि वीडियो आज की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ। बट इस पे आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कानपुर रोड पे आपको हाउस या प्लॉट क्यों लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी एक तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, और भी आपको मैं रहने के पर्पज से जो लोग देख रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट या कॉमर्शियल प्लॉट। बिल्कुल, नमस्कार सर। नमस्कार, हमारा नाम है विनय यादव सर, स्वर्णिमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी। ऑडियंस को साइट के बारे में बताइए। हमारी जो साइट है सर, आप ये देख रहे होंगे आउटर रिंग रोड, कानपुर रोड पे आउटर रिंग रोड आ रहा है, सरोजिनी नगर दरोगा खेड़ा एरिया पड़ता है। दरोगा खेड़ा एरिया से आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो मीरानपुर पिनवट गांव है हमारा। स्वर्णिमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी जो है 6 प्रोजेक्ट ओन करती है, जिसमें हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं जो कि यहीं दरोगा खेड़ा में है, 2 प्रोजेक्ट हमारे बंथरा में है। तो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये हमारी 22 बीघे की साइट है जिसका नाम है आसरा गोल्ड। आसरा गोल्ड, आसरा पुरम, आसरा ड्रीम सिटी, आसरा प्राइम सिटी, इस तरह के 4 प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर है और 2 प्रोजेक्ट आसरा ग्रीन सिटी और आसरा पैराडाइज हमारे बंथरा में है। ये चीजें हैं, आइए इस हाउस के बारे में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे रो हाउसेस भी अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के प्लॉट्स और हाउसेस दोनों अवेलेबल हैं। हाउसेस जो हैं 500 से स्टार्ट है, 500 से है ना सर, 500 स्क्वायर फुट, 600 स्क्वायर फुट, 800, 1000, 1100, 1250, इस तरह के मिल जाएंगे आपको हाउस। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप आगे भी ले सकते हैं, जैसे कि 1800, 2000, 4000, जो भी स्क्वायर फुट आप चाहेंगे हम प्लॉट एरिया काट के आपका हाउस आर्किटेक्ट से बनवा के मैप आपके हिसाब से डिजाइन करवा देंगे। प्रेजेंट टाइम में आप जो मेरे पीछे ये हाउस देख रहे हो, ये पूरा 1000 स्क्वायर फीट का हाउस है, 25x40, 25x40 का हाँ। उसका 25 फ्रंट है, 25 फ्रंट है, 40 गहरा है हमारे जी। ठीक है, तो इस हाउस को एक्सप्लोर करते हैं, चलते आप खोलो नाम। ये हाउस स्टार्ट होते ही हमारा पोर्च एरिया है, ये हमारा पोर्च एरिया है, 10x12 का है, सॉरी 10x12 का पोर्च एरिया है, जिसमें आपके स्विफ्ट डिजायर आराम से खड़ी हो जाएगी आराम से। और इधर ये 3 फीट का जो है वाइड आपका देते हैं, आप गमले रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ये चीजें हैं। बाकी ये आपका वॉशरूम हो जाता है, एक गेस्ट वॉशरूम हम देते हैं, गेस्ट वॉशरूम देते हैं ये हम आपको, इंडियन वेस्टर्न जो भी आप टॉयलेट कहेंगे वो यहाँ पे आपको बन जाएगा। ये चीज मेहमान खाना, ये समझिए यहाँ पर जो है आपका 10x10 का ये रूम है, फॉल सीलिंग अपने हिसाब से जो डिजाइन कहेंगे आप उस हिसाब से डिजाइन करवा देंगे। बाकी आपका ये 10x10 का रूम है जिसमें एक बढ़िया सी विंडो निकली हुई है, पत्थर कलर आप जो कहेंगे वैसा इसमें करवा दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं। कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो दैट्स व्हाई यहां पे थोड़ा सा हां थोड़ा बहुत तो रहेगा ना। बेडरूम के डाइमेंशंस के बारे में बात करते हैं। बेडरूम, ये हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम है, ये एक बेडरूम इधर देते हैं, एक मास्टर बेडरूम इधर देते हैं, मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम हम देते हैं, जिसमें ये 10x12 के डायमेंशन के साथ आपका मास्टर बेडरूम बन जाता है। मास्टर बेडरूम के साथ आपको ये अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें आपकी कमोड लग जाएगी, आप वेस्टर्न कहेंगे, इंडियन कहेंगे, जो भी टॉयलेट के स्ट्रीट कहेंगे वो आपके हम करवा देंगे। शावर आपका रहता है, इटालियन मार्बल का काम है यहाँ पर। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि आप जैसा शावर कहेंगे हम वैसा शावर लगवा देंगे। फॉल सीलिंग आप ऊपर देख रहे होंगे रूम में, जिस तरह की फॉल सीलिंग डिजाइन कहेंगे इंटरनेट में जगह जगह एक से एक अच्छी डिजाइन आती है, आप जैसा डिजाइन कहेंगे हमारी कंपनी वैसा काम आपके लिए करवा देगी। दूसरी चीज है कि आप अगर रूम का कलर जो भी है, आप अगर जो भी चाहेंगे हम कस्टमाइजेशन हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है। चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ जी। ये हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट बेडरूम है, जिसके साथ अटैच वॉशरूम मैंने वही दिया क्योंकि वो मास्टर बेडरूम था, ये एक नॉर्मल बेडरूम है, तो इसके साथ ये उधर पीछे से लॉक होगी। ये आपके वेंटिलेशन के लिए एक विंडो हो गई है, बाकी ये रूम है आपका, इसमें भी फॉल सीलिंग आपकी कराई गई है। फॉल सीलिंग के लिए हमने हमेशा ये कहा है अपने कस्टमर से, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा जो डिजाइन कहेंगे वो हम वैसा डिजाइन उनको करवा के देंगे। बाकी हमारे स्विच बोर्ड्स जो ये देख रहे हैं, ये सब एंकर के स्विच बोर्ड्स होते हैं, अंदर जितना वायर का काम होता है वो सब हैवल्स का पड़ा होता है, ये सारी चीजें। बाकी अदर हम जो इतना करके देते हैं, अगर आपको कुछ और करवाना है तो आप उसका जो है हमें बताएंगे, हम वो भी करवा के देंगे, ये चीजें रहती हैं। आइए, ये आपका जो
किचन है, ये हाइड्रोलिक पैनल्स के साथ है आपका किचन जो है, ये हमने बनवाया हुआ है, ये हाइड्रोलिक पैनल है, आप खोलेंगे ये अपने आप बंद हो जाते हैं। ये चीजें हैं, सिंक है आपका, यहाँ पे तीन आपको टैप दिए हुए हैं, ये आपका एक टंकी से हो जाता है कनेक्टेड, एक जो है फ्रेश वाटर कनेक्टेड होता है, और दूसरा गीजर के लिए, अगर आप गर्म और ठंडा पानी जैसा भी चाहेंगे वो आपका कनेक्शन यहाँ पे लग जाएगा गीजर के लिए भी। बाकी यहाँ पर चिमनी के लिए भी हम स्पेस देते हैं, यहाँ पे चिमनी आपकी बाहर चली जाएगी, ये चीज रहती है। बाकी ये जो पैनल्स हैं ये भी हाइड्रोलिक पैनल्स हैं आपके लगाए गए हैं, इसमें जो भी कलर कहेंगे, सनमाइका जो भी कहेंगे आर्यन, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करवा देंगे। ये स्टील की हमने लगवाई हुई है सर, स्टील का ही काम है आजकल, यही चल रहा है मार्केट में, जो कि देखने में बड़ा अच्छा चलता है। हम लोग एक जमाना था पहले लोहे का चलता था, वो भी अच्छी होती थी, लेकिन हम लोग अब स्टील में थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है। बाकी आप जीने की चौड़ाई देख रहे होंगे, कोई भी सामान, बेड है, अलमारी है, कुछ भी है, आराम से आप लेके आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीजें हम इतनी चौड़ाई देते ही है यहाँ पर। ये आपका थर्ड बेडरूम है जी, ये एक ऊपर का हम जो है 3 BHK हाउस है, तो नीचे दो बेडरूम हो गए हैं, तो दो बेडरूम मैं देता हूँ। इसकी डायमेंशन भी 10x12 है, जो कि 3 BHK हम इसको रूम को अटैच करते हैं, इसके साथ एक वॉशरूम है, इसमें आप अटैच वॉशरूम भी करवा सकते हैं, एक बाहर से वॉशरूम करवा देते हैं। इसमें भी फॉल सीलिंग है, हर रूम में हमारी फॉल सीलिंग, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर स्लाइडर लगवाई गई है, जो है स्लाइडर विंडो यहाँ पे लगवाई गई। बाकी आप जो कहेंगे आप वैसे पैनल्स के साथ कहेंगे, हम वाले विंडो भी लगवाएंगे। ये आपका OTS जो कि ऊपर तक क्लोज हो जाता है, ताकि बारिश का जो पानी है वो नीचे ना गिरे, है ना, ये चीज रहती है। दूसरी चीज है इधर ये अटैच वॉशरूम हमने दिया हुआ है, एक आपको हाँ। भी आपको वॉशरूम मिल रहा है। ये पूरा बिल्डअप एरिया कितना होगा सर? ये 25x40 1000 स्क्वायर फीट है आपका, और उसके बाद बिल्डअप एरिया हमारा लगभग 1800 है। 1800 बिल्डअप जी। यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज की अगर बात करें तो आपको हमारी सोसाइटी में दो पार्क मिलेंगे, हर सोसाइटी में, हमारी 6 सोसाइटी हैं, सभी सोसाइटीज में हम दो पार्क देते हैं आपको। बाकी हमारी डामर रोड रहती है, स्ट्रीट लाइट रहती है, ये सारी चीजें रहती हैं। कई जगह आप देखेंगे इंटरलॉकिंग टाइल्स मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ आपको डामर रोड देखने को मिलेगी। प्लस आपका जितना भी सीवर सिस्टम है वो पूरा आपकी सीवर लाइन गई हुई है, जो कि सरकारी नाले से अटैच कराई जाती है, ये चीजें रहती हैं। प्लस आपका फुटपाथ एरिया हम देते हैं, फुटपाथ एरिया में आपके इंटरलॉकिंग टाइल्स है, आराम से टहलने के लिए रहता है। रात में स्ट्रीट लाइट्स रहती हैं, ताकि लोग आराम से टहलते हैं, खाना पीना खा करके, बहुत बढ़िया लगता है शाम को। तो यहाँ पर पार्क हमने दिए हैं बच्चों के खेलने के लिए, हर सोसाइटी में दो पार्क हैं, झूले लगे हुए हैं, ये सारी चीजें हम व्यवस्था करवाते हैं आपके लिए। स्कूल कॉलेजेस वगैरह? स्कूल कॉलेजेस 1 किलोमीटर के दायरे में हमारे 3 स्कूल कॉलेजेस हैं, ये समझिए सेंट थॉमस स्कूल, आपका अवध कॉलेजिएट स्कूल, उसके बाद ग्रीन बेरी इंटरनेशनल स्कूल, ये 3 कॉलेज आपके आराम से पड़ जाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आप सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे तो स्कूल बसेस आती हैं, आपकी वैन्स आती हैं, तो कि आने जाने में, ले जाने में कोई समस्या बच्चों को नहीं होगी, ये चीजें। और सुपरमार्केट्स वगैरह यहाँ पे? सुपरमार्केट्स वगैरह आपने सोसाइटी के पहले भी दिखाया होगा, हमारे यहाँ जो है हम एक मार्केट हम जो है करवा रहे हैं, काम चल रहा है उस पर भी। दूसरी चीज है कि यहाँ पे ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सारी चीजें हैं, कोई भी समस्या नहीं है कि आप कहीं आउटर में ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लखनऊ शहर के अंदर है। और जहां पर ब्लिंकिट भी आ रहा है, अब तो ऑनलाइन जेप्टो आ गया है, जो कि सारी चीजें यहां पर सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं सामान। बोला कि 1 किलोमीटर की रेडियस में आपका जितना भी टोटल आपकी बेसिक एमेनिटीज की जो भी चीजें हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। और ये लोकेशन भी साथ सर नगर निगम के अंतर्गत? ये नगर निगम के अंदर 4 साल हो चुका है, पूरा एरिया हमारा नगर निगम में आता है। कि आपको ऐसी लोकेशन में नगर निगम के अंतर्गत आपको जो बिल्कुल मिलने वाला है। अब इसकी प्राइस की भी बात करते हैं, ताकि सबसे जान लेते हैं कि इस रोड पे, कानपुर रोड पे प्लॉट लेना या हाउस लेना क्यों है इम्पोर्टेंट सर, लोगों को थोड़ा सा बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सर हमारी ऑडियंस को बताइए सर। देखिए हाँ जी, लखनऊ जो, लखनऊ और कानपुर, ये जो बड़े शहर हैं, इनको रोड जो कनेक्ट कर रही है वो कानपुर रोड है। कानपुर रोड पे आपने देखा होगा एलिवेटेड हाईवे बन रहा है आर्यन, आपने देखा होगा है ना, ये चीज बिल्कुल वही चीज है। तो एलिवेटेड हाईवे का मतलब 6 लेन रोड नीचे बन रही है, 4 लेन एलिवेटेड हाईवे बन रहा है, कोई भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर से आप अमौसी एयरपोर्ट देख रहे हैं, अमौसी एयरपोर्ट के जस्ट सामने जो है आईटी हब बनने जा रहा है, आईटी सिटी बन रही है, उसके बाद जैसे दिल्ली NCR आपने देखा है, वैसे ही लखनऊ SCR बन रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर दाम जितना है वो बढ़ता चला जा रहा है। भाई जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ये समझिए उस प्रॉपर्टी का हाइक होना, इतना अच्छा पैसा निकलना, ये सबसे अच्छी चीज है। दूसरी चीज है, हम ये सोच के नहीं लेते हैं प्रॉपर्टी कि हम बेचेंगे, भाई हम रहने के लिए ले रहे हैं। तो रहने के लिए आप प्रॉपर्टी जब लेते हैं तो ये समझिए कि बहुत अच्छी जगह, प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। कानपुर जाना है, आप तुरंत बाहर निकले एलिवेटेड हाईवे से आप कानपुर चले गए,
दूसरी चीज है कि अगर आपको लखनऊ जाना है, 6 लेन का हाईवे जा रहा है आर्यन, आराम से जा सकते हैं। दूसरी चीज आप ये समझिए कि यहाँ से आप ये देखेंगे किसान पथ जा रहा है, किसान पथ आपका इधर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ रहा है, इधर से आप जाएंगे सीतापुर रोड और आपका आगरा एक्सप्रेस वे जोड़ रहा है। तो यहीं से हमारे चौराहे से दरोगा खेड़ा चौराहे से, जो कि यहाँ पे मैं समझता हूँ लखनऊ में इस तरह का चौराहा नहीं है, इतना बड़ा चौराहा हमारे यहाँ दरोगा खेड़ा में बन रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से मैं अपनी लोकेशन को प्राइम लोकेशन कहता हूँ। ये चीज है, मैं समझता हूँ कि आप लोग आएंगे हमारे यहाँ देखेंगे तो आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही पाएंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं जस्ट पीछे ही हमारा पार्क है, ठीक है, और पार्क ही में आपके ओपन जिम वगैरह भी है सरने जैसा बताया, और झूले वगैरह भी हैं। सर आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आप फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए भैया आप ये देखें हमारे यहाँ डामर रोड आपको मिलेगी, जी ठीक है, सबसे पहली चीज और सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है। अगर बिल्कुल कहीं बाहर पार्क में, सॉरी कहीं आप प्लॉट लेते हैं, जी प्लॉट ले लेंगे, कहीं मकान लेते हैं, कहीं कुछ लेते हैं, सबसे पहले सबसे चीज जरूरत जो बुनियादी चीजें हैं रोड की है भाई। रोड ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। आप हमारे यहाँ देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट हर खंबे में लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट हर खंबे में लगी हुई है। कभी भी मैं कहता हूँ आपके कस्टमर हो आप हो, कभी भी हमारे यहाँ रात में आइएगा स्ट्रीट लाइट जलती हुई मिलेंगी। ये पहली चीज है, रोड्स आपको देंगे। सामने आप पार्क देख रहे हैं, फूल लगा हुआ है, ये बाकी रोड कितने बैठने का फीट है। की रोड है? ये आपकी 30 फीट और 25 फीट की, जो हमारी मेन रोड है वो 30 फीट की है, और जो अच्छा अंदर की गलियां हैं वो 25 फीट की रखी हुई पच्चीस हैं। फीट 30 फीट ये की चीज है, आपको रोड मिलने वाली बिल्कुल है, डामर रोड मिलने वाली है। और दूसरी चीज ये है आपको हमारे एक हर घर में, हर घर में, सॉरी मैं जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी हर घर में समरसेबल आपको मिलेगा। 150 फीट पे समरसेबल हमने दिया हुआ है हर अच्छा घर में। जी बिल्कुल, उसका कनेक्शन है समरसेबल का, ताकि पानी की कोई समस्या ना हो हर घर में, क्योंकि अभी पाइपलाइन नहीं पड़ी। बिल्कुल नगर निगम एरिया है, उनके नगर निगम के जो चीजें हैं उसमें एक टंकी बनेगी, पाइपलाइन पड़ेगी। वो कब बनती है? आज 1 साल बाद, 2 साल बाद बनती सही है, बात है, लेकिन अपने कस्टमर को तो हम पहले देंगे ना पानी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, उसके लिए हमने जो है हर घर में 150 फीट का समरसेबल दिया हुआ सर। ये चीज है, अच्छा आप बताइए। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ है जैसे कि सर ने बताया पार्क हो गया। अब सर बात कर लेते हैं अपनी प्राइस की, जी प्राइस तो सर यहाँ का प्राइस हमारी ऑडियंस को बताइए। सर जो है हमारे यहाँ प्लॉट का अगर आप देखेंगे तो जी 2500 रुपये स्क्वायर फीट है, 2500 रुपये स्क्वायर ट्वेंटी फीट फाइव हंड्रेड रुपीज पर स्क्वायर फीट है, अच्छा ठीक है, जो कि प्लॉट का है। जी अगर हम हाउस बना के देते हैं जिसमें टाइल, पत्थर, मॉड्यूलर किचन, जी समरसेबल, जी आपका फॉल सीलिंग, हर रूम में फॉल सीलिंग देते हैं, जी बिल्कुल और दूसरी चीज है सबसे पहली चीज कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। कस्टमाइजेशन की बात करें कि आप हमारे यहाँ आते हैं, अगर आपको अपने पसंद अकॉर्डिंग है कस्टमाइज तो करा अपने सकते हैं अकॉर्डिंग आप आर्किटेक्ट से मैं बहुत मीटिंग करवा दूंगा। जी आर्किटेक्ट से मीटिंग करने के बाद देखिए सपनों का घर है आपका, जी आप आपने अपने लिए ले रहे हैं, आप हमारा जो घर है वो थोपा हुआ थोड़ी लेंगे कि हम आपके ऊपर थोप दें। जी तो ये चीज बिल्कुल रहती है ना कि आप अपने हिसाब से घर बनवाएं, तो आर्किटेक्ट से भी हम मीटिंग करवा देंगे, उसके हिसाब से आप जो मैप कहेंगे उस मैप के हिसाब से हम बनवा देंगे। वो 5500 रुपये स्क्वायर फीट है, 5500 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। अच्छा ये हाउस चीज का है हाउस का हम जो बता रहे हैं, ठीक है है, ना, 55 मिनट पर इसमें स्क्वायर सारी फीट चीजें मैं आपको कंप्लीट दूंगा। अच्छा ये चीज बहुत बाकी आपको अगर रेडी टू मूव हाउस चाहिए तो रेडी टू मूव भी हमारे पास है, अच्छा। 500, 600, 800, 1000, 1100 जो भी एरिया सर ये कहेंगे, जो जो साइज हमने कहेंगे वो अभी सब। 1000 स्क्वायर फीट का जो जी घर देखा था ये ये फिफ्टी सर फाइव लैक्स का ये है। 55 लाख हाँ का है 5500 रुपये से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जी 1100 का कर लें, 1250 का कर लें, जी 1400 का कर लें, जो भी कर लें 5500 से करेंगे, उसमें हम हाउस बना के दे देंगे आपको। अच्छा, तो ये हमारा चीज है, फुल्ली फिनिश्ड हाउस मिलने बिल्कुल वाला है बिल्कुल बिल्कुल फिनिश ठीक है आपको, बिल्कुल कंप्लीट हाउस, टाइल, पत्थर, सारी चीजें कंप्लीट आपको सर। देंगे। यहाँ पे लोन अवेलेबल है लोन अवेलेबल है, नगर निगम में एरिया आता है तो कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग LIC हाउसिंग से लोन कराते हैं, ये चीज रहता है, बाकी अदर बैंक्स भी करती हैं, उनको भी कोई इशू नहीं आते हैं। बाकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर अपनी तरफ से भी लोन करवाना चाहते हैं जी आर्यन कोई, तो जी मैं उनको जो है प्रोवाइड करा दूंगा अपने लीगल सर मैं डॉक्यूमेंट्स। एक ये और चीज है आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या बिल्कुल। कॉर्नर से प्लॉट भी अवेलेबल है? कॉर्नर के प्लॉट्स भी हैं, लेकिन उसमें 5% एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं, क्योंकि पीएलसी कॉर्नर जो फाइव होता परसेंट है पीएलसी वो एक्चुअली क्या होता है, हमारी खूबसूरती दिखती है जी यार। बिल्कुल कॉर्नर के बिल्कुल प्लॉट्स में आपको विंडोज मिलती हैं, ये जी चीजें रहती हैं ना, बिल्कुल तो उसमें खूबसूरती थोड़ी दिखती है, डबल तो इसलिए एंट्री उसका 5% जो है एक्स्ट्रा लिया जाता है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल कॉर्नर भी मिल जाएगा, पार्क फेसिंग भी मिल जाएगा हमारे यहाँ, जी। आप आएंगे बिल्कुल, आप जो है एक बार सेवा का मौका दें, आइए तो देखिए आपको। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग का था वो फेज 1 था, और ये अली की साइड हमारी फेज 2, तो फेज 1 में मैक्सिमम शॉट सब फिलहाल हो चुके हैं, और फेज 2 में भी जो है बताया गाड़ी स्टार्ट करो अमित, काफी अभी रुक जाओ, बची है, तो ठीक है यस, सही था, बढ़िया था, थैंक यू। यश को भी यार बोर करवा